आफाक भाई ने फोन पर बात करने से मना किया था। सलमान, हेलो शिशरत। सलमान, एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम नहीं होगी। मुझे भी जी, मैं भी। तुम मैंने समझा सकती थी, कोई और रुकता तो शायद। मामू जान ने रोका मुझे, इतना सख्त दो टोक लहजा था कि मेरी तो खुद ही सिट्टी गुम हो गई थी। सन्नान, सबकी बोलती बंद हो गई। अच्छा, कौन कौन आया? मैं गलत तो नहीं कह रहा था ना? मैं वैसे बड़े कर लेते रिश्ता आपस में, तो ये सवाल जवाब नहीं होते ना, क्या करते हो क्यों करते हो। अब लड़की ने खुद ही पसंद कर लिया, ये अजनबियत, ये शर्म सारी, ये तो होगी क्यों। एक तरफ बहन का ससुराल है और दूसरी तरफ बहन होई। खुद पर कंट्रोल रखना आफाक। एक्सक्यूज मी, अम्मी आप जरा आएंगे? हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रही हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। बेटा खालिद, कोई अजनबियत और शर्मसारी नहीं है। सिनान की वालदा को पहले से सब कुछ मालूम था। भाई से पहली दफा मिल रहे हैं, तारफ तो कराया जाएगा ना। वैसे पप्पू, आपकी बेटी जो है ना, समझदार काबिल लड़की, ऐसा बड़ा है बड़ा महारानी, वही मैं सोचूं लगड़े को कैसे दे दी, अब समझ आई। पहली बार आई हूं यहां पे, मुझे कुछ मालूम नहीं इन चीजों के बारे में। लेकिन आपकी बेटी को तो पता था ना कि वो लंगड़ा है। वो अब लंगड़ा नहीं है। चुप करो, खामोश हो जाओ, किसी बहस लेकर बैठ गए इस टाइम। सच पूछे, मुझे तो यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। शिजरत जितनी समझदार और काबिल है, बिल्कुल उसके जोड़ का रिश्ता मिला है माशाल्लाह उसे। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल शिजरत के लिए ऐसे ही होना चाहिए था। वो कोई आम लड़की थोड़ी है, हम कोई गली मोहल्ले में से तो उसके लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकते थे। इसीलिए उसने खुद ही ढूंढ लिया। बार बार एक ही बात मत दोहराओ खालिद बेटा, उसके ढूंढने की कोई अहमियत ना होती अगर हम हामी ना भरते। ये रिश्ता मैंने किया है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेता, लेकिन ये जो भाई साहब यहां बैठे थे ना, इन्हें कुछ पसंद नहीं आया। हम कितनी अजीब सी बात है ना सन्नान, आज सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूं और मुझे शिरकत की इजाजत नहीं मिली। कह सकते हैं ये हमारे माशरे के असूल है, जो सबसे करीब है
कहीं ममनू है। तुम उदास हो क्या? मुझे तुम्हें देखना था ना, मैंने तुम्हें पहले कभी कुर्ता शलवार में नहीं देखा। फाके? मैं तुम्हारे लिए फिर कभी दोबारा पहन लूंगा। हाँ, लेकिन ये मौका तो दोबारा नहीं आएगा ना। तुमसे मिलने आ जाऊं किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना बाबा ना, ये गलती तो बिल्कुल ना करना, ये तो धोखा हुआ ना। शिजरत कोई चोरी छुपे काम करने वाली लड़की थोड़ी ना है। अम्मी, मेरे दोनों साले डॉक्टर्स हैं, सोसर बिजनेसमैन, सास सोशल वर्कर। सिनान अपने इन-लॉज को क्या कह के इंट्रोड्यूस कराएगा? और वो खातून शायद लड़की की मदर है, देखा है कितनी कंफ्यूज्ड है। तो उनकी बेटी? बेटा तुम शिजरत से मिले नहीं, वो इन सब से अलग है बिल्कुल। इसका अंदाजा हो रहा है मुझे, जिस तरह उसने सिनान को काबू किया है, हिसाब लगा लिया होगा कि बस एक टांग ही तो गई है। मिले बगैर राय मत कायम करो। राय तो कायम हो गई अम्मी। अरे क्या बुराई नजर आ गई तुम्हें? अच्छे भले शरीफ लोग तो हैं, सफेद पोश, ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं आजकल। मसला पता है क्या है अम्मी? आप पर सिनान की शादी का जुनून सवार हो गया था, जहां से इशारा मिला उस तरफ चल पड़ी। देखो अफान, वो कोई आम लड़की नहीं है, इस हालत में कबूल किया उसने सिनान को जब सबने धतकार दिया था। यही तो सवाल है कि क्यों? शिजरत ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, सुमैया से पूछ, उसे तो वैसे भी कोई पसंद नहीं आता। सुमैया को तो आप रहने ही दें, बेऔलादी के गम ने सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है उनसे। वो बैद जैसे इंसान के साथ रह के कोई ठीक रह भी कैसे सकता है? अब वहां जाके देखें, दोनों उलझ रहे हैं, कोई एहसास नहीं कि घर में मेहमान है, कोई सुन लेगा तो क्या होगा। तो फिर इस सफेद लिबास का क्या करें? कुछ नहीं, मैं तुम्हें तस्वुर की आंख से देख लूंगी। कैसा लग रहा हूं? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर मैं भी तुम्हें देखना चाहूं तो? फिर तुम भी अपनी तीसरी आंख रोशन कर लो। कोई इशारा तो दो। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैंने सफेद लिबास पहना है और पैरों में चांदी जैसी चप्पल। तुमने गहरा काजल लगा रखा है। हाँ, तुम मुगलिया शहजादी लग रही हो। हाँ, अगर तुम मुगल शहजादे लग रहे हो तो फिर मैं भी शहजादी लग रही हूँ। मैं बिल्कुल साफ देख सकता हूँ शिजरत, और तुम मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा सनान। कैसी बातें कर रहे हैं इस मौके पे? फजूल के रीजंस मुझे मत दो सुमैया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ क्या चल रहा है और क्या नहीं। मतलब क्या हो गया, क्या बहस छेड़ ली तुम लोगों ने? मैंने खुद मौलाना साहब को जोहर के बाद का टाइम दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मर्द जो है वो वर्किंग आवर्स में निकल नहीं सकते। चलो आओ तुम्हें मैं शिजरत की फैमिली से मिलवाऊं, अफान को भी मिलवाया भी। उनसे तो मैं मिल ही लूंगा आंटी, पहले ये बताइए कि आपने नरमीन को और बाजी को इनवाइट नहीं किया। देखो बेटा, बड़ा मुबारक मौका है, मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे बात ना ही करें तो अच्छा है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपने उन्हें मधु किया ही नहीं? उन्हें मधु करने की क्या गुंजाइश रह गई थी? ये मेरी इंसल्ट है सुमैया कि मेरे खानदान को इस तरह से इग्नोर किया गया। और वो जो इग्नोर और इंसल्ट आपका खानदान मेरी करता है, वो मौसू मत बतलो। मैं आज के दिन कोई पुरानी बात छेड़ना नहीं चाहती बेटा, लेकिन
बीसीओ तकरीबात ऐसी होती हैं जिसपे तुम्हारी फैमिली में मुझे नहीं बुलाया। हाँ, मुकाबला कर रही हैं आंटी। अरे बेटा, मेरा और उनका क्या मुकाबला? मैंने तो रास्ता ही बदल लिया, क्योंकि मैं खुदगर्जी में उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। ठीक कह रही हैं अम्मी, वो इसी घर में इसी जगह बैठ के हमसे तमाम ताल्लुकात खत्म करके गई थी, तब तो आप चुप बैठे रहते। ठीक है, जिस तकरीब में मेरा खानदान मधु नहीं, वहां मैं भी नहीं ठहर सकता। उबैद, उबैद प्लीज। उबैद बेटा, जो लोग मेरी बेटी को इतना दुख दें, मैं भी उनसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहती। तुम्हारे सामने ही तो देखा तो है तुमने कितनी कितनी बेइज्जती करते हैं उसकी। सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मेरी औलाद चाहते हैं, इसलिए बात करते हैं। जी नहीं, चिंगारी लगाते हैं वो लोग जिससे मेरी रूह तक झुलस जाती है। उन्होंने तो मुझसे बच्चा तक छीन लिया। और तुम क्या करती हो? अपनी इस तंग दिली की वजह से आज तक औलाद को तरस रही हो सुमैया। ठीक कहती हैं बाजी। उबैद, उबैद क्या कह रहे हो बेटा तुम? कम से कम तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तमाम हजरात से दरखास्त है कि दो जानू होकर बैठ जाएं ताकि दुआ का आगाज किया जाए। हाँ, शुरू होने वाली है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, क्या मांगोगे? सबात, साथ, तुम, मैं, हमेशा। चलो, गुस्सा थोप दो, चलो चल के दुआ करते हैं, खुदा हमारी जरूर सुनेगा इंशाल्लाह। आओ सुमैया, आंसू पोंछ लो तुम भी। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ये हाथ ऐसे तो नहीं है कि जो दुआ के लिए उठने के काबिल। हम गुनाहों की और नाफरमानियों की दलदल में डूबे हुए लोग हैं। ऐ रब्बुल इज्जत, हम बहुत आजिज और मस्कीन हैं। ऐ पाक परवरदिगार, लेकिन तू अपनी रहमत के सदके हमारे इन गुनाहगार उठे हुए हाथों की लाज रख। आमीन। इसलिए कि ये हाथ और किसी के आगे नहीं, सिर्फ तेरे आगे उठे हैं। तू इन उठे हुए हाथों की दुआओं को कबूल फरमा। इस महफिल में जितने बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, इन सब के दिलों की मुरादें पूरी फरमा। आमीन। आमीन। अल्लाह, मेरी बेटी अजीजा सुमैया उबैदुल्ला की तरफ से ये दरखास्त आई है कि अल्लाह इसकी गोद हरी फरमा दे। आमीन। इसको औलाद की नेमत से सुरखुरू और नेमत से बहरामंद फरमा। आमीन। मेरे मौला, आज की इस दुआ को कबूल फरमा, इस बच्ची को औलाद की नेमत अता फरमा। आमीन। मौलाना साहब, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, सबा के लिए,
अल्लाह सबा को भी औलाद दे। सबा आफाक। इस बेटी सबा आफाक ने भी औलाद के लिए दुआ का कहा है। तू इस बेटी सबा आफाक की दिली मुराद पूरी कर इलाहल आलमीन। सबा आफाक को भी औलाद की नेमत से बहरमंद फरमा, औलाद अता कर। कितने साल हुए हैं आपकी शादी को? 5 साल हो गए। और आपकी शादी को? 11 साल। आपने कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया? अरे ये इलाज विलाज ये सब बेकार बातें हैं, सब झूठ है ये। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ के लोगों ने अपना इलाज करवाया था और आज वो लोग 4-4 बच्चों के माँ बाप हैं। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ हाँ, हमने बेशुमार फीस भरी है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया है? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना था आपने, अगर आप कहें तो मैं बताऊं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। तो फिर आपने क्यों नहीं अभी तक इलाज करवाया अपना? क्या करवाऊं, सब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दोनों मियां बीवी बिल्कुल ठीक हैं, बस अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। मेरी दोस्त ने अपनी डॉक्टर को दिखाया था, दोनों मियां बीवी का इलाज कामयाब रहा और आज उन दोनों के यहाँ 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। दोनों मियाँ बीवी का इलाज? क्या मर्दों का भी इलाज होता है? हाँ, अगर मर्द बीमार होगा तो मर्द का इलाज होगा और अगर औरत बीमार होगी तो औरत का। आप मुझे डॉक्टर का नंबर दे देंगी? बिल्कुल, मैं आपको कार्ड लाके दे दूंगी। और शिजरत आपी, उनका घर इतना बड़ा था, मुझे तो वहाँ बहुत मजा आया। उनका घर इतना बड़ा कि हमारे घर जितने 5-6 घर। तुम्हें अच्छा लगा? जी। सबा, चाय पिलाओ मुझे फौरन। नसीबों वाली है मेरी बच्ची। आपको सब अच्छा लगा? और सिन्हा? मैंने तो नजर भर कर ही नहीं देखा, कहीं मेरी ना नजर लग जाए। बाकी सब घर वालों को कैसा लगा? तो बताओ कैसे लगना चाहिए? मामी माजी आफाक भाई गुस्से में ही लगे मुझे। किसी ने सिन्हान को कुछ कहा तो? खालिद से तवज्जो हटती तो सिन्हान को कोई कुछ कहता ना? जिज करके रख दिया उसने सबको। खालिद भाई? दुआ के लिए अपना नाम देने की क्या जरूरत थी? मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते। यही तो आपकी गलत फहमी है अपा। क्या मतलब? दुआ पूरी भी हो गई और ये मुर्दा सांस भी लेगा तुम्हारा। अभी बताते हैं। ये क्या? मायूसी के बहुत गहरे अंधेरे में थी अफा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई रोशनी, दिल छूट गया था। मैं भूल गई थी कि अल्लाह है, अगर उसने
मर्ज दिया है तो इलाज भी उतारा है। क्या मतलब, कैसा इलाज? मैं समझाती हूँ, ये वो डॉक्टर का पता है जो आप जैसे, मेरा मतलब है जो जो आपका इलाज कर सकता है। न जाने क्या क्या बोलता है। सिनान दौलतमंद है, उसकी दौलत की वजह से उसके आगे किसी की जबान नहीं खुलती, इसलिए उसे हर चीज की आजादी, उसकी दौलत ने सबके मुंह बंद कर दिए। वो है कहाँ, माजिया तो यही है। कल लेकर जाएगा, कह रहा था गरीब आदमी, एक ही मोटर बाइक, माँ को बिठाया और चला। इसीलिए माजिया ने मुझसे बात नहीं की, और मामी का तो पहले मूड ऑफ। बेटा मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अफाक ने अपना जब्त नहीं खोया, वरना उसमें तो इतनी बर्दाश्त है ही कहाँ। नहीं तो ये सब करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये तो अफाक की आवाज है। जी तो करे जान से मार दूं मैं तुम्हें। ये औरतें होती हैं जो शौहर का राज राज रखती हैं, और तुमने मेरा यकीन करे अफाक, मैंने किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो लोगों को इल्जाम होने लगे, बेशर्म औरत। अरे आखिर क्या किया है इसने? मम्मी, मम्मी आप हाथ ही ना मेरे साथ। मैंने किसी से एक्स लॉब्स भी नहीं कहा, वो तो डॉक्टर का जिक्र कर रही थी। मैंने किसी से कुछ कहा था क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है सबब, डॉक्टर का कार्ड लेके तो इससे ज्यादा मैं खुश हुई थी बेटा। और फिर वैसे भी इलाज करवाना तो सुन्नत है, तुम इलाज करवाओ अपना। बस चुप हो जाओ बेटा। अल्लाह सिनान तुम? जी हाँ मैं। ये गाड़ी किसकी है? मेरी गाड़ी, और किसकी है? नहीं ली है? नहीं, बहुत अरसे से गैराज में खड़ी थी। ये तुम चला कर आयो? जी हाँ। और कब से आपके लिए दरवाजा खोले खड़ा? प्लीज चलानी तो आती ना गाड़ी? नहीं, अभी भी गाड़ी खुद चल के आई है। ऑब्वियसली मैं ही चला कर लाया हूं यार, बैठो तो सही, जल्दी बैठो, बैठो बैठो बैठो, बैग ये बैग 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 दे दो, सही बैठो आराम से। Oh,
मैं कर दूं स्त्री आपका। लाए मुझे अफवाह मैं कर देती हूँ। जन्नत से भी भला कोई इनकार करता है? शौहर का राज राज रखने में अगर जन्नत मिलती है तो मुझे ये जन्नत कमानी है। आप यूं कोशिश किए बगैर हाथ पैर छोड़कर बैठ गए, क्यों आफा? हार तो चूंटी भी नहीं मानती, गिरती है उठती है फिर गिरती है फिर उठती है। मैं कंधे कुएं में गिर गया हूं, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। अम्मी ये तो सिनान की कार है। सिनान की नहीं है, किसी और की होगी। अरे उसकी कार पर तो अभी दो दो फुट गर्द जमी हुई होगी। नहीं अम्मी ये उसी की गाड़ी है। ये देखें, ये नंबर भी वही है, वो खुद अपनी कार लेकर आया है। वो कहां इस काबिल के कार चला सके, किसी दोस्त वो उसको दी होगी। नहीं अम्मी, वो अपनी गाड़ी कभी किसी को चलाने के लिए नहीं देता है, वो खुद ड्राइव करता है, मैं अच्छी तरह जानती हूं। इसका मतलब है वो यहीं कहीं है, वो यहां है। अम्मी नरमीन, अरे नरमीन मेरी बात सुनो। ये बेवकूफी की बस नहीं है सनान, कोई भी है। सनान यही है। आप दो मिनट मेरा वेट करें, मैं अभी आई। अंधी हो, देखकर नहीं चल सकती। सॉरी? क्या सॉरी? सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा। पता नहीं तुम जैसे लोगों को अंदर अलाउ कौन कर देता है। जाहिल। जाहिल किसे का? तुम्हें और किसे? तुम ही जैसे होते हैं। जाहिलों के सर पे कोई सींग नहीं होते। ठीक कह रही हो तुम, जाहिलों के सर पे सींग नहीं होते, वरना इस वक्त तुम बारह सिंगा होती। बदतमीज लड़की। Thank you.
थैंक यू. वेलकम. ये क्यों? ये एंगेजमेंट रिंग है. एंगेजमेंट रिंग तो ये है, पर वो तो अम्मी ने पहनाई थी ना. अचानक जिस तरह सब कुछ हुआ, मैं तुम्हें अपने हाथों से रिंग पहनाना चाहता हूं. समझ नहीं आ रहा क्या बोला. तुम चुप रहकर भी सुनाई देती हो मुझे. अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं सिर्फ सांसें लेता, जीता नहीं. जुमले सजा रहे हो? जुमले कमक ने तुम लगी हो. वैसे साहब ने कहा था जो एनुअल इवेंट है वो यही होगा, तो उन्होंने रेकमेंड किया जगह. जी सर, उनकी कॉल आ गई थी मेरे पास. अच्छा, मुझे ऐसी बातों के जवाब नहीं सोचते. हर बात जवाब तलब नहीं होते. और अगर आपको इससे भी ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो वो सेकंड फ्लोर पर है हमारे. सर वो सेकंड फ्लोर विजिट करवाऊं लोगों? नहीं, मैंने देख लिया जो देखना. कैसी लगी? बहुत अच्छी. तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा अच्छी कभी नहीं हो सकती. ठीक है, ये सन्नान बिल्कुल ठीक हो गया. अम्मी बगैर स्टिक के चल रहा है. हाँ, लेकिन ये लड़की कौन थी इसके साथ? कहाँ मर गए सब? माजिया, क्या हुआ खालिद? मुझे जरा गौर से देखो, सही से देखो. देखो ना, मैं गुंडा हूं, मैं मवाली हूं. क्या हो रहा है? कैसा शोर है खालिद? आइए आइए, आप ही का इंतजार था. असल में जवाब दे तो आप ही हैं. मुझे बताइए कि मैं कौन हूं? तो गली का लुक्खा हूं, गुंडा हूं. थाने में मेरी तस्वीर लगी हुई है. अरे मैं आता था तो कमरे के पर्दे ऐसे ही बराबर कर दिए जाते थे. हाँ, घर के बाहर से गुजरने की इजाजत नहीं थी हमें. और वहां रेस्टोरेंट में कोना मला हुआ है, सरगोशियां हो रही हैं, फूल दिए जा रहे हैं, अंगूठी पहना रहे हैं.
इज्जत? किसकी बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, अनजान मत बने, अनजान बिल्कुल मत बने आप। वैसे तो बड़े गैरतमंद बने फिरते, अपने खानदानी उसूलों के प्रचार करते फिरते हैं, लेकिन एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग। इल्जाम लगा रहे हो तुम? शिजरत यूनिवर्सिटी गई है। यूनिवर्सिटी नहीं जाती वो, आपकी आंखों में धूल झोंक रही है। यूनिवर्सिटी के बहाने अपने यार से मुलाकातें करने जाती है। खालिद भाई, किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसी भी नहीं कर रहा भाई, जो देखा है वो बता रहा हूँ। लेकिन सच बात है, जो देखने में मजा आया ना, वैसा बता नहीं सका मैं। शिजरत, क्या है ये? ये कह रहा है कि तुम सनान के साथ रेस्टोरेंट में थी? जी जी बिल्कुल देखा, हाथ देखें, हाथ देखें, झूठ नहीं बोल रहा, सबूत के साथ आया हूँ।